इंडिया में जब भी MI12 आए आप भी जाते हैं जो आपको पहले पहले अपडेट मिल जाए, तो आज मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ जो सेटिंग ऑन करने के बाद हो सकते हैं इंडिया में जब MI12 का अपडेट आ जाए तो आपको भी पहले मिल सकते हैं। चलिए वो सेटिंग आपको मैं बोल देता हूँ। तो चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन का आपको दिखा रहा हूँ, वो सेटिंग आपको कर लेना, लेकिन इसका टॉपिक आज ये नहीं, लेकिन ये एक आपको एडवांस टिप्स में दे रहा हूँ। जैसे हो सकता है बहुत सारे लोग इसको एनेबल नहीं कर पाया और जिसके वजह से हो सकता है उसको अपडेट बहुत देर में आता है, इंडिया आने के बाद भी उसको लेट में मिलता है। तो चलिए इसका अपडेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अबाउट फोन में जाना है। अबाउट फोन में क्लिक करने के बाद अपना जो सिस्टम अपडेट है उसमें क्लिक करना है। सिस्टम अपडेट्स में क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा जो अपडेट सेटिंग, तो अपडेट सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जो फास्ट ईयरली अपडेटिंग या ईयरली अपडेट दिखाई देगा। ईयरली अपडेट को आपको ऑफ रहेगा उसको ऑन कर देना। इससे क्या होगा, आपको जब भी कोई इंडिया में अपडेट आए तो पहला हो सकता है आपको भी मिल सकते हैं। तो टॉपिक आज किसके ऊपर नहीं है, आज एक जबरदस्त टॉपिक में लेके आया हूँ, शायद थंबनेल देख आपको पता चल गया, लेकिन एडवांस था जिसलिए आपको भी बोल दिया हूँ, जरूर इसको इस्तेमाल करना। अगर ये एडवांस टिप्स आपको पसंद है तो जरूर आप इसे अभी एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज जो मैं बात करने वाली जिस टॉपिक के ऊपर वो है MIUI जो सिस्टम लॉन्चर। जी जोड़ो दोस्तों, सिस्टम लॉन्चर, क्योंकि MIUI जो 12 का जो सिस्टम लॉन्चर काफी कूल कर दिया, मेरे को तो लगा ISO बिलिंग जैसे लगता है। जरूर आप लोगों के पसंद आएगा, तो जरूर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ बोलना चाहते जितना फीचर्स मैं बोल रहा हूँ सभी फीचर्स आपको APK या लिंक सब कुछ मिलेगा मेरा टेलीग्राम चैनल में, तो जरूर टेलीग्राम चैनल को मेरे को ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कर दीजिए कौन सा एपीके को चाहिए, मैं जरूर आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे फीचर आ गया जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो सारे चीज आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो चलिए मोबाइल फोन के ऊपर और देख लेते हैं जो क्या क्या अपडेट है, क्या क्या नया नया फीचर दिया है। तो चलिए मैं आ गया मोबाइल फोन के ऊपर और आप लोग देख पा रहे हैं जो मेरा सिस्टम लॉन्चर को देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा तरीके से आइकॉन को चेंज कर दिया गया है, कितना अच्छा तरीके से कस्टमाइज कर दिया गया है, मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है। तो चलिए मैं इसको देखा देता हूँ, तो अगर सेटिंग में चला जाता हूँ, जैसे मैं सेटिंग में जाता हूँ देख सकते इसका आइकॉन को पूरा तरीके से चेंज कर दिया गया है। इस जगह में ज़्यादा चेंजेस नहीं मिला, अगर होम स्क्रीन में जाएंगे, होम स्क्रीन में चला जाता हूँ, जो होम स्क्रीन में जाने के बाद देख सकते हैं इसका जो आइकॉन साइज है या लिखा हुआ है ये कितना तरीके से बोल्ड कर दिया गया है, और कुछ नया फीचर इसमें नहीं दिया गया है। और अगर बात करोगे एनिमेशन का, काफ़ी अच्छा तरीके से एनिमेट होता है, जैसे ही देख सकते सेटिंग में क्लिक किया और किस तरह अच्छा किया, और एक बार दिखा देता हूँ, सेटिंग को ओपन किया और बैक करता हूँ, और जैसे ही बैक करता हूँ जैसे घूमते हुए एक नज़र आ रहा है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग एनिमेशन इस जगह में देखने को मिलता है। अगर इस जगह में किसी को मैं डिलीट कर देता हूँ देख सकते हैं कितना अच्छा तरीके से इसको दिखाई देगा, जैसे कि मान लो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या रिमूव कर देता हूँ, जैसे रिमूव कर दूंगा देख सकते रिमूव करने के बाद उसके एनिमेशन कितना कूल लग रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेरे को लगा है। अगर मैं इसी जगह में जाऊँगा जाने के बाद कोई भी ऐप्स को अगर मैं डिलीट कर देता हूँ वो भी कितना अच्छा तरीके से वो दिखेगा, देख सकते इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, वो जैसे ही अनइंस्टॉल कर देता हूँ देख सकते हो उसका सेम एनिमेशन इस जगह में देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपको बोलना चाहता हूँ लॉक स्क्रीन में काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर दिया गया है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए लॉक स्क्रीन को मैं एक बार लॉक कर देता हूँ फ़ोन को, और फ़ोन को लॉक करने के बाद देख सकते मैं आ गया हूँ और मैं डबल क्लिक करता हूँ, वो जैसे डबल क्लिक कर देता हूँ तो डबल क्लिक करने के बाद देख सकते हैं म्यूजिक आ गया, तो इस जगह आप म्यूजिक को भी एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग देख पा रहे हैं जो इस जगह जो मेरा क्लॉक है ना वो ब्लैक है, ठीक है, तो इसको चाहे तो आप व्हाइट भी कर सकते हैं या ब्लैक भी कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग फीचर मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो चलिए जैसे मैं स्लाइड लेफ्ट कर देता हूँ और लेफ्ट करने के बाद देख सकते हैं ये सारे फीचर्स आपको इस जगह देखने को मिल जाता है, जैसे काउंटडाउन, आप वेदर, रिकॉर्ड, कैलकुलेटर, वी चैट, अलीपे, बहुत सारा वो आप क्या कर सकते हैं इस जगह से, बहुत सारे ऐप्स को इस जगह एक्सेस कर सकते हैं, वो भी लॉक स्क्रीन से रह के इस जगह टॉच का भी एक्सेस कर सकते हैं। और लॉक सेटिंग में चला जाऊंगा, लॉक सेटिंग में जाने के बाद देख सकते हैं क्या होता है, और जैसे ही मैं लॉक सेटिंग में आ गया हूँ तो देख सकते हैं क्लॉक एंड म्यूजिक और ब्लैक क्लॉक, मैं बोला था ना उस जगह आप ब्लैक भी कर सकते हैं व्हाइट भी कर सकते हैं, इस जगह इनेबल कर देंगे तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ओपन हाइड म्यूजिक, इसको भी अगर डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाता है, कस्टम सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर मेरे को लगा है। लेकिन आपको अब ये बारी आते हैं जो इसको कैसे इनेबल करें, इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कोई लॉन्चर का जरूरत नहीं, जी दोस्तों आपको मैं सही बोल रहा हूँ, आपको जाना है अपना थीम ऐप्स में, और थीम्स ऐप्स में आने के बाद आपको जस्टली सर्च करना है UI 12, जैसे UI 12 आप
सर्च करेंगे तो पहला नंबर में आएगा जो UI 12 फ्री, इसमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको एक प्रीमियम रहेगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद जरूर ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएगा, आप भी अपना MIUI 11 में MIUI 12 का आनंद ले सकता है इसको थीम को यूज़ करके। और भी मैं बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर एनेबल कर दिया हूँ, अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने के बाद कमेंट करके बताएं कौन सा ऐप्स का ज़रूरत है, मैं ज़रूर आपको APK दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो कब, और तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।